गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भैया हम तो अभी सुबह से जग के अपना काम कर रहे हैं, उधर अपना लेडीज डिपार्टमेंट लगा हुआ है अपना शादी की तैयारी करने में कि भैया पैकेजिंग वगैरह कपड़े वगैरह सब चीज़ों में, तो वही चल रहा है अभी तो, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं, आपको पता ही है। तो अभी एक डेढ़ महीने के मतलब एक दो महीने के अंदर सब कुछ काम खत्म करना ही है। फिर अभी है कि बीच में हम ट्रैवलिंग वगैरह भी करते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहना चाहिए ना कि ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर जो बाकी के काम है वो मतलब समझ रहे हो ना, टाइम को बहुत यूटिलाइज करना पड़ता है बिल्कुल टाइम टेबल बना के, ठीक है। सो वही सब चीज़ें चल रही हैं अभी। सो ये वाला जो कमरा है ये मेरे वीडियोस में बहुत ही रेयर कभी आता है, ये आपने शायद ही कभी देखा होगा। सो ये मैंने जो पीछे बैकग्राउंड है, ये मैं एक टाइम पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था जब बनवाया था पूरा वॉलपेपर लगवा के, है ना, नहीं बर्बाद क्या कहते भाई, वॉलपेपर लगवाया था मैंने, सोचा था कि यहाँ पे पूरे घर में कहीं वॉलपेपर नहीं था, खोपचे में वॉलपेपर था। तो ये रूम उसी हिसाब से डिजाइन है पूरा, देखो इसमें मैंने सोचा था, मैं पहले टेक्निकल वीडियोस बनाता था ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और वो सोचे, तो उसी हिसाब से बैकग्राउंड था इसका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पूरा। तो अब तो बस अभी ऐसे स्टोर रूम की तरह यूज होता है, अभी तो ये कुछ होता नहीं है। नीचे देख रही है क्या चल रहा है, यहाँ गेट खुला हुआ, ये डाल दो गेट खोल के। क्या हुआ, खाना खाना है, भूख लग रही है, चलो नीचे चलते हैं, मम्मी बुला रही है। सो भैया अपना लंच रेडी है, आज क्या क्या बनाया है, किस चीज़ की दाल है ये, मोटी मसूर, मोटी मसूर। ये तुम्हें प्याज तो बड़ी रंग बिरंगी बनाई है आज, इसमें प्याज है, मूली है, चुकंदर है, और विनेगर है। ऐसा लग रही है ऐसे उसमें नहीं होती क्या कहते कैफेस वगैरह में रख देते हैं फूल पत्ती वगैरह से, सही अच्छा लग रही है। हाँ तुम क्या खा रहे हो भाई, जो आप खा रहे हो। अच्छा हमसे पहले हम लपसी बना के खा रहे हैं उसकी, हम भी लपसी बना के खाएंगे, दाल दही चावल सब एक साथ मिलाएंगे और खा जाएंगे, बढ़िया लगती है। बेटी क्या पसंद है, ये भी ऐसे ही खाती हो, तुम भी ऐसे ही खाते हो, अच्छी लगती है ऐसी चीजें, इसे ऐसे ही पसंद है वरना खाएगी नहीं, ऐसे नहीं दूंगी तो उसको। समझदार है, पापा पे गई है ना। इस लड़की ने अपना खाना खा लिया, अब देखो मेरे खाने पे नजर है इसकी, जब तक हम खाएंगे वो देखेगी। क्या है आपने खा लिया ना, अब दूसरों को खाने दो। बढ़िया मस्त, रिच इन फाइबर, रिच इन फाइबर। हाँ ये सबका खाना दिख रहा है, मतलब लोग दूध में चावल डालते हैं, मम्मी ने कच्ची प्याज मटर गाजर वाजर सब डाल रखी है दूध के अंदर, मम्मी ने सोची इसकी खीर बनाई जाएगी। कच्ची प्याज नहीं है, कच्ची प्याज है इसमें, नहीं से मैंने कच्ची प्याज भी डाली है इसमें, चावल में हरी है, अच्छा हरी प्याज है, ले दे रही, हरी प्याज भी दूध में डाल के खा जाएगी, पालक भी लग रही है। कितने दिन से मैं कल लाया नहीं था ना, क्योंकि कल एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, कल हम वहाँ चले गए थे, तो अभी कल पहनी है मम्मी, यार कल मम्मी कल पहनी थी, तो अभी मैं सर में दर्द हो रहा है, मैं भी नहाने वाला था सुबह, पर मैं सोचा शाम को अच्छा करूंगा उसके बाद ही नहाऊंगा। परसों दे पर रो, परसों दे, हां यहां बता दो ना सबको, आगे बता बोलो, परसों दे पर ना, ये उतारना छोड़ टी शर्ट है ये धोनी में आपत तो, अब धोनी पड़े तो सोचो क्या होगा, धोनी पड़े तो एक हफ्ता तो पहले उतार ही ना, महीने भर एक ही टी शर्ट, अरे क्या दिक्कत है, अभी जब मैं नहाए नहीं तो फिर टी शर्ट क्यों चेंज करूं, सीधा नहाऊंगा जब चेंज करूंगा, देखना है ना। क्या हो रहा है तेरे आज, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो रहा है तेरे, कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर रहे नहीं, कम से कम ये चार दिन से बहाने लगा रहा है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, है ना, कोई बता, मेरे सच में बता नहीं, नहीं। अच्छा तभी कल तू आराम से वहाँ पे क्या कहते हैं, क्या क्या कर रहा था, कल वहाँ पे क्या कहते हैं वो थाली दबा दब लगा पड़ा, पेलम पेल पराठे, और अभी भी पराठे खा के आया दिन में, चार रोटी दो पराठे, हाँ वैसे तेरा पेट खराब है, आज मैंने आखिरी बार खाना खाया, कल से मैं आखिरी बार खाना खाया, दाल चावल, और पता है अब इसका क्या कह रहा, पेट सही हो गया तो कह रहा सर में दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं पेट कहाँ से हुआ है, तभी तो नहीं कर रहा, अच्छा नहीं तो करता मैं, दो मिनट लगती है, अच्छा दो मिनट लगती है एक्सरसाइज होने में, अच्छा रोज बहाने बेटा सही है, कल से 100% रोज, कल भी देखेंगे हम, कल भी देखेंगे, तो फिर ये क्यों पी रहा ब्लैक कॉफी, हाँ तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज करियो, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो एक्सरसाइज करते हैं, चलो चले, चलो खड़े हो जाओ, पड़ा हुआ है, खड़े हो जाओ, चलो एक्सरसाइज करते हैं, मच्छर काट लिया मैं बेबी को, ऐसे अंगड़ाइयां लेते लेते आ रहे हैं, जबरदस्ती है जैसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करनी मिल रही है, चलो मम्मी को ला लो जल्दी, मम्मी
आज तो पूरी सभा बना के बैठ गई है, बिस्तर बिछा के सब यहाँ पे आराम से लाइन से लगे हुए हैं। अब बुढ़े हुए हैं, शादी के बाद सबकी हालत ऐसी हो जाती है, तू मत कर ठीक है, कैंसिल कर दे छोड़, क्या करेगी भाई। अगर यार ओमिक्रॉन आ गया तो क्या खतरनाक वाला सीन हो जाएगा, इतने सारे लोगों को जो जितने प्लान्स बनाने सब धरे के धरे रह जाएंगे, कितना वो हो जाएगा खतरनाक चीज है। प्रिया कोई बात नहीं, फिर ऐसा करिए तू बेहतरीन, पर कहीं जा भी नहीं सकती यहाँ, फिर तू कहीं जा भी नहीं सकती तू। मैं सोच रहा था कहीं तक घूमने चली जाइए, पर कहीं जा भी नहीं सकती, लेकिन एंड तक चला जाएगा है, उम्मीद यही करो कि भाई ना ही आए यूपी में, ना ही आए तो ही, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक प्रिया का बच्चा हो तब तक ये कोरोना खत्म हो जाए, तो हर साल आता ही रहता है, खत्म नहीं हो सकता। बस ये है कि इसके नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, हमें उसके साथ बस जीना सीखना पड़ेगा, तो बस वही है। अभी तो सीख रहे हो, बच्चे ही ना तो फिर कैसे सीखेंगे। नहीं भाई चले, हम ऐसे, नहीं ऐसे नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन ना हो। हाँ ज्यादा म्यूटेशन अगर थोड़ी होंगी तो जरूर, ऐसी बात नहीं है, हर चीज की होती है। प्रिया सोच रही है कि शादी तक तो ना आए कम से कम, शादी हो जाए, सब अपना अपना फायदा, सब अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। ऐसे अगर कोरोना रुक जाता पत्र रखने से, सो मैंने अभी न्यूज में ही पढ़ा है कि जो लखनऊ है वहाँ पे भी धारा 144 लागू हो गई है, मतलब लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते और मास्क वगैरह पहनना मैंडेटरी हो गया। वैसे वो तो था ही मतलब पहले से, पर अभी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टली हो गया है। बाकी जो बहुत सारे जो थिएटर वगैरह थे, मूवी थिएटर वगैरह, वो भी 50% अब जो है उस पर चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि भैया शुरुआत हो चुकी है दोबारा से थर्ड वेव की, तो अभी घर में रहो जितना हो सके, ठीक है, और कहीं जा भी रहे हो, देखो ऐसी बात नहीं है कि घर में ही रहना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा यार, बहुत जगह यार काम होता है जैसे, तो जाना तो पड़ेगा, पर ये कि हाँ थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसा नहीं होता हर साल कुछ टाइम के लिए, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है, पिछले 3-4 सालों से ऐसा हो रहा है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब हम क्या करें, कैसे करें, खास करके कोरोना के बाद से हो रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है लोगों पे, मेंटली बहुत लोगों पे हो रहा है। तो ये कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली से बातें करो, और जितना हो सके उतना खुश रहो, और बस ठीक है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये नहीं, हाँ पहले वाले लॉकडाउन में हमने भाई साहब सब पूरा फैमिली बैठ के हम चेस खेलते थे, मैंने चेस खेलना सीखा, हम चैलेंजेस खेलते थे, लूडो वगैरह खेलते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, तो फैमिली के साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो ये कि अभी तो जितना हो सके हम बचाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा बढ़िया ना ही आए, ना स्प्रेड हो, यही उम्मीद करेंगे और वही हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर, तो आई थिंक रहेगा। पर फिर भी तैयार हर चीज के लिए रहना चाहिए, और बस हर चीज के लिए तैयार रहो और खुश रहो, सबसे मेन बात वो है, क्योंकि मेंटली अगर सही रहोगे तो फिर सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। सांप है भाई जो ऐसे कौन सा सांप है, ये अलग स्टाइल में चलती है ऐसे घूम घूम के, अच्छा डांस करके थक गए, हम गाजर खाई जा रही है, दोनों गा रहे हैं मस्त। तो मैंने ना डांस किया ना ही मैंने मतलब एक्सरसाइज की, पर बहुत थोड़ी सी की, कुछ खास नहीं की, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था तो मन ही नहीं कर रहा था, फिर वो भर रहा था वो सर का दर्द, तो मैंने कुछ खास किया नहीं, मतलब डांस तो किया ही नहीं, और एक्सरसाइज करी थोड़ी बहुत एप्स की,
सो बस वही था। बाकी अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि भैया घर में हो रहा है बहुत ज़्यादा मच्छर, क्योंकि यहाँ पे एक दो दिन से बारिश हुई थी ना अभी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए, तो रूरू को भी काट गए और बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं कुछ। तो एक हिट लेंगे और उसमें कमरे में छिड़क के बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर खोल देंगे, मतलब फिर जाली का दरवाज़ा बंद कर देंगे वैसे खोल देंगे। तो चलो चलते, उसे देखो उसे देखो, अपनी गाजर छोड़ के दूसरों की गाजर खानी है उसे। हमारे मेरठ में अभी ये कोई मोमो ठेका करके खुले हैं यहाँ पर शॉप, तो अभी मैं मोमोस लेने के लिए आया हूँ, और क्योंकि चाय पिया खाने थे तो देखते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। खा लिए, कैसे लगे? बढ़िया थे ना? सेटिस्फेक्शन कल की जगह मुझे आज मिला। इसे मोमोस कुछ ज़्यादा ही पसंद है, खास करके चिकन मोमोस। क्यों क्यों कल नहीं खाया था? नहीं, कल वाला खाना बहुत अलग था, वो तो रोटी सब्जी ऐसा खाना था, आज वाला थोड़ा सा चटोरेपन वाला खाना है। चटोरेपन? उसका भाई भी आया था क्या? किसका भाई? शंभू का। हाँ, फैमिली आई थी पूरी उसकी। मैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काली मिर्च मिर्ची और कुछ बचा ही नहीं है, जब तीन लोग एक साथ खाएंगे तो मम्मी ये मैं इधर देख रहे हैं। ये क्या है, नाम है मेरा भाई, कैसे बोलेंगे सिमरन और ये लोग। देखो वो भी खा रही है एक ही प्लेट में से, आ जाओ भाई खाओ। घी भर दिया इसमें बढ़िया सा, आज पूरा चीट डे चल रहा तुम्हारा है, मोमोस तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारा नहीं चल रहा। सही है सही है, ठंड में ऐसी रोटी खाने में बड़ा मजा आता है, वैसे बाजरे की रोटी वाला फील आ रहा पूरा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, जैसे हम बोलते हैं, सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हम बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना, मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय।